मैं आया जिम तय और रात ही चमत्कार जिज्ञा सुबह आए थे ठेकेदार, उनने कहा था करवाते हैं काम और बाबा हटवा दिया सारा सिस्टम यहाँ पे जो भी जितनी यहाँ टीन ऊन थी जो ऊपर वहाँ तक की टीन थी जहाँ वो दिख रहा है सिस्टम हट गई है। अब अपना सारा पार्क ओ हो सिस्टम हो जाएगा बढ़िया। और ये देखो अपनी ब्यूटी ऑफ इंडिया, ये सिर्फ यहाँ पे किस वजह से, यहाँ घास उस में यहाँ छाया में बैठता है बढ़िया, पूरा दिन यहीं पर रहता है। मन देख के थोड़ा सा घबरा रहा है भाई, गिने चुने रह गए, इसको बचा लो, इनको देश अच्छा रहेगा। बात देखो जैसे अपनी वो बेचारी धूप के अंदर खड़ी है, उसकी बनाते हैं वहाँ तगड़ी सी पार्किंग, बनवाएंगे शेड सी जो दोनों गाड़ी अपनी पार्क हो जाए। और ये भैंसों का मामला ऑलरेडी सेट हो चुका है, ये हटावा उठवा के यहाँ एक ढलान बनवानी जो पानी सारा वहाँ पे नाली में जाए। पीछे का सेटलमेंट अभी 80% हो चुका है। और अब अपना ये वाह अपनी यह जगह साफ, आगे पार्क से कनेक्ट, और भाई फिर अपना दिल खुश हो जाएगा, अपना यह जगह कति साफ क्लीन एंड वाइट। यहाँ रैम्बो की ट्रेडमिल स्टिल रहेगी, देखते हैं जो भी बनाते हैं दिखाएंगे। अभी स्पॉइलर खा मखा के ना दूं कभी बाद में बन ना पा वो चीज़ सक्सेस ना हो पावे। और वाह भाई यो तगड़ो काम कर दी, चप्पल कर दी ना इस तैसी चप्पल की, अरे ये सच्ची में छोटी होगी वो, ये घूमगी और ये कैसे होगी भाई, भाई कसम तो यो के है भाई, चप्पल गैली हो के काम होगा, देख धूप कितनी गंदी हो रही है और भाई गर्म बढ़ पड़ी है भाई, मेरी पैर देखो गंदी ही पड़ी वैसे तो, आ कती गरम यार, यो के होगा भाई। अरे भाभी ये चप्पल छोटी होगी धूप में, वो घूमगी कती कसम से। सोचा था कि घर जाती बढ़िया नहाऊंगा और फिर अपना जो भी करेंगे करें, लेकिन अब ऐसा जी कर रहा है शरीर खराब बहुत ज्यादा कि थोड़ी सी देर लेट जाते हैं इसी आके ठंडक सी ले लेते हैं, फिर नहाए धोएंगे, नींद भी आ रही है। तो यार कॉफी पी पी का जागो रहना पड़ रहा है, समझ रहे हो, जो ब्रेक हुआ था ना बीच में कमर के दर्द की वजह से भाई बहुत ज्यादा फैट आ गया, बहुत ज्यादा मेरा वेट चला गया था 84 कहाँ था, मैं इतना टाइम तक लेके आया तो उसने 114 किलो शायद एक बार आ गया था ना मेरे के, 109 किलो का रेशियो चल रहा था, 109 तो मैं उस वेट को लेके आया था 84 पे शायद, हाँ 84 पे। फिर मामूली सा ब्रेक हुआ था, हम गोवा चले गए थे तब या कब 92 चला गया था, फिर वापस ले आया था मैं 86-85 पे, और वापस भाई मेरा वेट 92 हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा फैट, इस कमर का गैप की वजह से भाई सारे सिस्टम की ऐसी ऐसी होगी। इस अपने आप को पतला करते हैं कुछ दिनों में वापस, बहुत ज़्यादा हार्ड करनी पड़ेगी आपका ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी पतला होना है क्योंकि मैं ना भाई मेरा बिहार है, तुम नहीं सोच रहे हो पागल हो के बिहार, अभी तो भाई तुम भी जो देख रहे हो भाई शादी की जिंदगी नष्ट, कम से कम भी 27-28 साल तक पहले मत करो शादी, अपनी लाइफ के लिए कुछ करो, फैमिली के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, उसके बाद शादी करने के सोचो भाई, वरना ये देख आवाज़ आ रही है क्या क्या इसको, किसी किसी का मन रहा है ना, जैसे हमारा अरुण का मन तो नहीं, वो तो उसकी वैसे शादी हो गई थी, बट मत करो भाई। पेट में सी लग रही थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पेट है मेरा बहुत तेज भूख लग रही थी यहाँ पर भाई, कसम से ऐसे कर कर बोलन लग रहा है, और रोटी खाने लग रहा हूँ भाई, खाना कुछ ऐसा चल रहा है बस दो रोटी खा पाऊँगा, ये नापतपूर्ण सी सब्जी है, ये अपना रायता रही, ये सैलड रही, बस ये खाने दिन की दो रोटी, उसके बाद शाम तक भाई डाइटिंग वाला सौदा चल जाऊंगा, वो डाइटिंग वाला मैं आपको साथ के साथ दिखा दूंगा अगर आप देखना चाहो तो। और भाई किसी ने वेट लूज़ कर यार, एक मैं फिर तो शपथ ले लूँगा पिछली बार की डाल, और फिर वो शपथ करके तोड़ दी यार, मैं अब वापस पतला होने की सोच रहा हूँ, बढ़िया वाली कटिंग जिसने कहा, या बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर पर, मतलब काम चल रहा है थोड़ी फोड़ी का मशीन पर, तो एक बार चल मैं देखता हूँ आज कल, मैं एक बार मैंने शपथ वापस लेनी चाहिए पतला होने की या ना, और जो जो देख रहे हैं मुझे और भाई वेट लॉस करना है तो मैं जो जो चीज़ दिखाता रहूँगा, खाते रहना, बट दिन की दो रोटी ज़रूर खानी है। एसेसरीज की दुकान पर आए हैं दिल्ली के अंदर, एक ये हनी को अपनी थार का काम कराना था, और भाई अब मैं ना यहाँ बैठा बैठा अब ये सारे बाहर काम कराने लग रहे, दुकान में कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ, और मेरे चारों तरफ मतलब भाई एक थे एक LED लाइट, एक थे एक सिस्टम, एक थे एक सबवूफर पड़ा है, और देख देख के ऐसा जी हो जावे ना, मतलब मैं ना इसलिए एसेसरीज की दुकान पर ज़्यादा ना घूमूँ, मैंने अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवा रखा, सही बेस ट्यूब वगैरह ठीक है, लोई भी लगवा लिए थे स्विफ्ट के अंदर, वरना मैं आज तक कोई भी कैसी मॉडिफिकेशन नहीं कराई है, स्विफ्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेडेड है उसका, लाइट वगैरह सब कुछ ओके, अलॉय व्हील भी लगे हुए हैं,
अब इसके अलावा मुझे काम कराने कोई मन नहीं था, बट एसेसरीज की दुकान के अंदर जब आप बैठोगे ना और चीजों को देखोगे तो भाई मन करता है यार ये भी करा लूँ ये भी करा लूँ। नई गिटार यहाँ पे लेके आ गए, जैसी मॉडिफिकेशन होती है जो भी काम होता है देखते हैं, अभी काफ़ी चीज़ें चेंज करानी है, जो कि आज के टाइम में जो बंदा थार लेता है तो एक तरीके से वो चीज़ें कराता ही कराता है। जिस टाइप से थार के अंदर मॉडिफिकेशन चल रही है ना सिमिलर वाली, आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से आरसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे ये चीज़ें, थार के अंदर होनी चाहिए। और भाई सेकंड चीज़ ये है भाई, दुकान बिल्कुल बायर की चिल्ड पड़ी है, इसी बढ़िया चल रहा है। मैं सोचा गर्मी होगी और यार नहीं पता कैसे बैठेंगे कैसे नहीं, दिमाग ख़राब होगा। भाई बायर ने बढ़िया कम्फर्टेबल चेयर दे रखी है, वो अच्छी दुकान चिल्ड पड़ी है, आराम से बैठो, फ़ोन वगैरह चलाओ, अपना एडिटिंग वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर काम चल रहा है गार्डिंग जोर शोर से, अन्य बार व्लॉग बनाने लग रहा है, तो इसलिए उसे गर्मी मरना पड़ेगा, बिकॉज व्लॉगिंग भाई ऑन द स्पॉट तो मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी जाके बनाता तो भी, बट मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा, आप सेम चीज़ को दो 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 चैनल पर देखो क्या फ़ायदा, आप अपने भाई को देखो, तुम्हारा भाई अपने ऊपर मॉडिफिकेशन कराएगा, देखना आप अभी कुछ दिन में मेरे ऊपर मॉडिफिकेशन, मैं अपना ऐप्स लगवाऊंगा, अब आर्टिफिशियल ऐप्स लगवाऊंगा, बाल में विग लगवाऊंगा और काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन, अपनी आँखें नीली कराऊंगा, मॉडिफिकेशन कराऊंगा, अब देखना ठीक है। तो भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं दुकान से बाहर निकल रहा हूँ, थोड़ी सी नींद सी आ रही थी तो मैं चल बाहर जाके देख के तो आते करवाते क्या है, इन्हें तो कुछ भी ना करा, लगनु का किनु गाड़ी खड़ी है, दो घंटा होगा भाई अन्नी वाह है ना, स्वाद आ गया ना गाड़ी देख के है ना के तो, अरे के तो स्कॉर्पियो आती आई थी ऐसे, अरे के अभी आती भाई वाह अन्नी वाह, मैं तो ना छिड़ाऊ अपनी गाड़ी ने 1% भी ऐसे कभी, पर यह भी छिड़ रही है की बात है, पर ना अन्नी भाई महिंद्रा वालों फेस कर दो ना भाई, अच्छी चीज के लिए हो रही है चीज, और बढ़िया देखना जो भी आउटफिट आएगा इसका चैनल पे, ना तेरे चैनल पे भी दीजिए कोई दिक्कत ना है, साथ ही डालेगा तेरे, तू मुझे पता है एक दो दिन बाद ही डालता है मेरा मेरा भी मेरे आ चुके होंगे, एक नंबर ही होगी इसके अंदर यार, देखिए यहीं से हमारे, मैं नु कह रहा हूं अरे इंगा, वैसे तो हम यहां बेसिक मॉडिफिकेशन करवा रहा हूं, अलग भी होगी दो चार चीज, लेकिन अधिकतर जो हो रही है आजकल सारी थारा में ऐसा हो रही है कि मेरे हिसाब से थारे की ना आरसी में देने लग जाएगा, मैंने ये चीज तो करवाई करवा तो। हाँ, अबे तभी तो ए टू जेड बंदा ये तीन या चार चीज तो पूरी क्यों देते हैं, वो इसी वजह से तो देते हैं कि भाई पता है लोग करवाएंगे ही करवाएंगे, यहाँ बाहर बाहर आफ्टर मार्केट ही काम होएगा, ये गाड़ी ऐसी है कि आफ्टर मार्केट काम वाली ही गाड़ी है भाई, और करवानी तीन चार चीज है, तीन चार चीजें में गाड़ी लाया था। मैं तो कुछ ऐसे भी करवा रहा हूँ जो अभी तक किसी थार में नहीं हो रहा, थार ना देखा भाई, वो तो भाई गौरव जोन इंस्पायर्ड है ना बेटा। तो गाइस दुकान पे बहुत ज्यादा देर काम करवाने के बाद हम खुद ही लग रहे थे ना वहाँ थार के अंदर, खुद ही काम करने लग रहे थे, तो अब आ गए यहाँ पे बीकानेर में कुछ खाने, मैं तो भाई डाइट पे चल रहा हूँ बट फिर भी अब सुबह से ना अंडे खाए ना कुछ, मैंने क्या खाया है हाँ थोड़ी सी कोल्ड चिकन खाई थी, उसके अलावा ना खाया कुछ भी, थोड़ी सी भूख लग रही है, देखो कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा, अब हनी ऑर्डर देने गया है तो क्या खाता हूँ कुछ ऐसा, मैं ज़्यादा हैवी खाऊंगा नहीं बिकॉज डाइट अभी ख़राब नहीं कर सकता मैं इस बारी बिल्कुल भी, दिस इज़ राइट थिंग फॉर मी, ये चीज़ है जोनी, चला गाड़ी तैयार होगी चल, कितना साल होगा भाई 30 साल तो हो गए हमें, आजा चल कड़ा आजा, देखिए रात होगी होगी सच्ची में तैयार होगा गाड़ी, गति हटी भाई थोड़ा सा भाई शक्ल देखने दी उसकी, देख तू गाड़ी देख, गाड़ी कैसी होगी कुछ भी ना होगी भाई, तो पहले तो हो रही थी हाँ भाई यहाँ पर कोई घड़ी नहीं है और मेरी घड़ी हो चुकी है डेड, अदरवाइज मैं आपको टाइम दिखाता, टाइम हो चुका है, घड़ी डेड ही पड़ी है, मैंने अभी देखा था 10:43 या 44 हो रहे थे भाई, मतलब 11 बज चुके ऑलमोस्ट, अभी भी गाड़ी फ्री नहीं हुई है, कह रहे हैं आधे घंटा और लगेगा भाई, और भाई जब इतना ज़्यादा काम होता है ना भाई टाइम तो लगता ही है ठीक है, और बट मुझे वेट उठ करने की यार इतनी ज़्यादा आदत नहीं, आज तक इतना ज़्यादा काम कराया नहीं, मेरा दिमाग ख़राब होगा, वो देखो सामने उसकी ग्रिल वगैरह ए टू जेड चीज लग चुकी है, बाकी आप देख लेना अन्नी के चैनल पे सब कुछ वो दिखाई देगा तरीके से ए टू जेड चीज क्या चीज है क्या चीज नहीं है। लो भैया फाइनल लुक है भाई, वाह अन्नी वाह भाई, मतलब अब यह थोड़ी सी फॉर्मल गाड़ी तो ना रही बट ऑफ रोडर के हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी लग रही है ऑफ रोडर के हिसाब से, यह एक मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी के हिसाब से
हल्की सी फॉर्मल लुक होगी इसकी, लेकिन मॉडिफाइड के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी लग रही है। बढ़िया भाई बढ़िया, ठीक है ओल्डन है ना, बढ़िया लग रही है ना। ऑफ रोडर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इससे मेन जो भाई ऊपर वाली लाइट है उसकी वजह से इनहांस होगी ना उससे लुक, जो ये हमारी लाइट लगी है इनसे भाई बहुत अच्छी लग रही है। और बाकी इंटीरियर भी देख लेना, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर हो रहा है, सारी चीजें एक नंबर होगी भाई।